कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने चटपटे चुटकुलों से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। अपने पॉपुलर शो के जरिए तो वो लोगों को खूब गुदगुदाते हैं, लेकिन अब वो पहली बार वो स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहे हैं। कपिल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अपना शो कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट लेकर आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है। वैसे शो की सबसे खास बात तो अब सामने आई है, आखिर मीडिया की नजरों से दूर रहने वाली उनकी बीवी गिन्नी चतुरक जो इस शो में नजर आने वाली हैं। और सिर्फ शो में नजर ही नहीं, बल्कि उनकी और कपिल की शादी को लेकर उन्होंने ऐसा खुलासा किया कि खुद कपिल की ही बोलती बंद हो गई। दरअसल कपिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने आने वाले शो का एक लेटेस्ट क्लिप शेयर किया है। इस क्लिप में वो अपने ट्वीट वाले कारनामे के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनकी पत्नी गिन्नी चतुरक भी ऑडियंस के बीच नजर आ रही हैं। कपिल कहते हैं कि आई एम नॉट डन येट मेरी जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो आगे कहते हैं, मैं शीशे के सामने खड़े होकर बार बार दोहरा रहा था आई एम नॉट डन येट। पीछे से मेरी पत्नी ने तकिया फेंक के मारा, बोलती है 1.5 साल में 2 बच्चे हो गए हैं और क्या प्लान है। साथ ही कपिल आगे कहते हैं कि घर बनाने की बात, बहन की शादी के बाद, ये सब तो पापा कह गए, लेकिन घर किसके साथ बसाना था वह मुझे पता था, वो थी मेरी पत्नी गिन्नी। आगे कपिल गिन्नी की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हैं, एक स्कूटर वाले से क्या सोचकर प्यार किया था तुमने, क्या तुम्हें स्कूटर ड्राइविंग पसंद है। इस सवाल पर उनकी बीवी गिन्नी ऐसा जवाब देती है कि आसपास के बैठे लोगों की हंसी रुक नहीं पाती। कपिल को जवाब देते हुए गिन्नी कहती है, मैंने सोचा पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं, इस गरीब का ही भला कर दूं। गिन्नी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़ने लगते हैं, जबकि कपिल के पास गिन्नी की बात का कोई भी जवाब नहीं होता और उनकी बोलती बंद हो जाती है। गिन्नी की हाजिर जवाबी देख दर्शक उनके फैन हो गए हैं। बता दें कि कपिल और गिन्नी ने 12 दिसंबर 2018 में शादी की थी। गिन्नी को देखते ही कपिल शर्मा उन्हें दिल दे बैठे थे। बस इसके बाद ही उन्होंने गिन्नी से शादी करने का मन बना लिया था। उनकी 2 साल की बेटी अनायरा और 11 महीने का बेटा त्रिशान है, जो अगले महीने 1 साल के होने वाले हैं। बताते चलें कि इस शो में कपिल की पत्नी गिन्नी चतुरक और माँ भी ऑडियंस के बीच बैठी नजर आएंगी। वहीं भारती सिंह, रोशेल राव, सुदेश लहरी और कीथ सिकेरा भी दर्शकों के बीच मौजूद रहेंगे। कपिल शर्मा के स्टैंड अप कॉमेडी शो की बात करें तो ये 28 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। कपिल इस शो में अपनी जर्नी के बारे में भी कुछ बातें बताने वाले हैं। कपिल अपने शो को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपने शो द कपिल शर्मा शो से भी ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रहे हैं।